क्लास नाइन्थ मैथ्स. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 23C पार्ट वन. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए इफ 2 साइन ए इक्वल्स टू 1 इट इज गिवन. सो डियर स्टूडेंट्स, सिंस 2 साइन ए इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू दिस 2 विल रेसिप्रोकल टू ट्रांसपोज टू द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम 1/2. सो साइन ए इज इक्वल टू 1/2. सो बाय व्हाट इज द वैल्यू, बाय विच डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ साइन विच इज इक्वल टू 1/2. यू विल सी दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. सो इन प्लेस ऑफ 1/2 वी कैन राइट डाउन साइन 30 डिग्री. साइन देयर फोर साइन ए इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री. साइन साइन विल कैंसिल आउट, देयर फोर ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. दिस विल बी आवर आंसर. नाउ लेट अस सी सेकेंड पार्ट. 2 cos 2a इक्वल्स टू 1. सो cos 2a इज इक्वल टू 1/2. देयर फोर cos 2a इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ 1/2 यू विल सी दैट cos 60 degree इज इक्वल टू 1/2. सो विल राइट डाउन cos 2a इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ 1/2 विल राइट डाउन cos 60 degree. सो 2a दिस cos विल कैंसिल आउट. सो 2a इज इक्वल टू, दिस cos विल कैंसिल आउट. सो 2a इज इक्वल टू 60, देयर फोर ए इज इक्वल टू 60/2 विच इज इक्वल टू 30. सो a इज इक्वल टू 30 degree. नाउ एट पार्ट. √3 cot 2a इक्वल्स टू 1 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो cot 2a इज इक्वल टू 1/√3. सो cot 2a इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ 1/√3 वी विल राइट डाउन cot 60, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cot 60 इज 1/√3. सो विल राइट डाउन दिस cot विल कैंसिल आउट. सो 2a इज इक्वल टू 60. सो a इज इक्वल टू 60/2, देयर फोर a इज इक्वल टू 230 = 60. सो a इज इक्वल टू 30. दिस विल बी योर आंसर. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a इफ फर्स्ट पार्ट साइन a माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन अगेन 2 cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो लेट अस सी. फर्स्ट वी विल सी साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इट इज गिवन. सो साइन a इज इक्वल टू, विल ट्रांसपोज दिस 1 टू द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम +1. सो साइन a इज इक्वल टू साइन 30, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90. साइन द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज इक्वल टू 1. सो विल राइट डाउन इन प्लेस ऑफ 1 साइन 90. सो साइन साइन विल कैंसिल आउट, देयर फोर a इज इक्वल टू 90 degree. सिमिलरली दिस साइड 2 cos a इज इक्वल टू 1, बिकॉज 2 वी विल ट्रांसपोज दिस 1 टू द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम हियर 2 cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन. सो इफ यू विल ट्रांसपोज दिस 1 टू द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम 2 cos a इज इक्वल टू 1. सो cos a इज इक्वल टू 1/2. नाउ cos a इज इक्वल टू cos 60 degree, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2. सो दिस cos विल कैंसिल आउट. सो a इज इक्वल टू 60 degree. देयर फोर a इज इक्वल टू 90 degree एंड 60 degree. दिस इज आवर आंसर. नाउ फोर्थ पार्ट. cos 3a इंटू 2 sin 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो cos 3a, वी विल इक्वेट दिस cos 3a इज इक्वल टू 0. सो cos 3a इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ 0 विल राइट डाउन cos 90 degree, बिकॉज cos 90 degree इज इक्वल टू 0. सो दिस cos विल कैंसिल आउट. सो 3a इज इक्वल टू 90. सो a इज इक्वल टू 90/3 विच इज इक्वल टू 3. 30 = 90. सो a इज इक्वल टू 30 degree. नाउ विल सी दिस वन. 2 sin 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2 sin 2a इज इक्वल टू, इट इज गिवन 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो आफ्टर ट्रांसपोजिंग दिस 1 टू द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम 2 sin 2a इज इक्वल टू 1. सो sin 2a इज इक्वल टू 1/2. सो sin 2a इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ 1/2 विल राइट डाउन sin 30 degree, बिकॉज द वैल्यू ऑफ sin 30 degree इज इक्वल टू 1/2. सो दिस साइन साइन विल कैंसिल आउट. सो 2a इज इक्वल टू 30. सो a इज इक्वल टू 30/2 विच इज इक्वल टू 15 degree. देयर फोर विल राइट डाउन a इज इक्वल टू 30 degree एंड 15 degree. दिस इज अवर आंसर. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ 2 sin x degree माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x degree इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड फर्स्ट पार्ट sin x degree, सेकेंड पार्ट x degree एंड थर्ड पार्ट cos x degree and 10 x degree. Let us see the first part. Since it is given 2 sin x
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो टू साइन एक्स इज इक्वल टू वन, सो साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू. दिस इज अवर फर्स्ट आंसर. साइन एक्स वी हैव टू फाइंड आउट, सो साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू. नाउ सेकेंड पार्ट, साइन एक्स इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ वन बाई टू विल राइट डाउन साइन थर्टी डिग्री. वाई? बिकॉज सिंस साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू वन बाई टू, सो इन प्लेस ऑफ वन बाई टू विल राइट डाउन साइन थर्टी डिग्री. सो एक्स इज इक्वल टू, दिस साइन साइन विल कैंसल आउट, सो एक्स इज इक्वल टू थर्टी डिग्री. दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट, कॉस एक्स डिग्री एंड टेन एक्स डिग्री. कॉस एक्स, इट इज गिवन कॉस एक्स. कॉस एक्स मीन्स वी गॉट इट, द वैल्यू ऑफ एक्स इज थर्टी डिग्री, सो विल राइट डाउन कॉस एक्स मीन्स कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू वॉट, द वैल्यू ऑफ कॉस थर्टी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू. एंड टेन एक्स मीन्स टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री. Therefore, we'll write down first, the answer of the first part is 1 by 2, second part 30 degree, and third part root 3 by 2 and 1 by root 3. This is our answer. Next, we'll see question number 5. If 4 sine square theta minus 1 is equal to 0 and angle theta is less than 90 degree, find the value of theta and hence the value of cos square theta plus 10 theta. Let us see. 4 sin square theta minus 1 is equal to 0. So we'll write down 4 sin square theta is equal to 1. So sin square theta is equal to what? This 4 will transpose to this side and it will become 1 by 4. So sin theta is equal to, this square will transpose, then it will become root, square root, square root of 1 by 4, which is equal to 1 by 2. Sin theta is equal to, in place of 1 by 2, we'll write down sin 30 degree because the value of sin 30 degree is equal to 1 by 2. So in place of 1 by 2, we'll write down sin 30 degree. Therefore, this sin sin will cancel out. So theta is equal to 30 degree. Now, second part, it is given cos square theta plus 10 square theta. Let us put it their value. In place of theta, we'll write down 30. So cos 30 whole square plus 10 30 whole square. So cos 30 whole square plus 10 30 whole square. What is the value of cos 30? It is root 3 by 2 whole square plus 10 30. Its value is root 1 by root 3 whole square. So root 3 by 2 whole square means root 3 into root 3. It will be 3 and 2 to the 4 plus 1 1 ja 1 and root 3 into root 3 3. Now we'll take it LCM 4 and 3. It will be 12. So 4 3s are 12. 3 3s are 9. 3 4s are 12, 4 1s are 4, 9 plus 4, 13 by 12 will be our answer. Now we'll see question number 8. If sin x plus cos y is equal to 1 and x is equal to 30 degree, find the value of y. Let us see. Sin 30 degree, 30, because the value of x is given 30. So in place of x, we'll write down 30. Sin 30 plus cos y is equal to 1. So sin 30, its value is 1 by 2 plus cos y is equal to 1. So cos y is equal to 1 minus 1 by 2. That is, we'll take it LCM here, 2, and it will be 2, 2 1 ja 2 minus 1, which is equal to 1 by 2. Cos y is equal to 1 by 2. So cos y is equal to, we'll write down cos 60, because since cos 60 degree is equal to 1 by 2. So in place of 1 by 2, we'll write down cos 60. So cos cos will cancel out, y is equal to 60 degree. This is our answer. Next, question number 11. Find the magnitude of angle A if first part 2 sin A into cos A minus 2 sin A plus 1 is equal to 0. Let us see. We will take it cos A as a common here. So here we will get it 2 sin A minus this we have already taken outside as a common, so here we will get it 1 minus, this is minus, and there is no any common number, so we will take it 1. So here we will get it 2 sin A, here it is plus given, so here we will take it minus 1, that is equal to 0, because minus minus will become plus. So cos A minus 1 into 2 sin A minus 1, that is equal to 0. So cos A minus 1 is equal to 0, so cos A is equal to 1. Therefore, cos A is equal to cos 0 degree, because cos 0 degree is equal to 1. So in place of 1, we'll write down cos 0 degree. So cos cos will cancel out. Therefore, A is equal to 0. Now, in second part, 2 sin A is equal to 1. Because here it is given 2 sin A minus 1 is equal to 0. So after transposing 1 to the right hand side, it will become 2 sin A is equal to 1. So
sin a is equal to this 1 will transpose to this side and it will become 1 by 2. Sin a is equal to sin 30 degree, because the value of sin 30 degree is equal to 1 by 2. So in place of 1 by 2 we'll write down sin 30 degree. Then this sin will cancel out. Therefore a is equal to 30 degree. So a is equal to 0 degree and 30 degree. This will be our answer. So dear students, today this much only. We will see next in the next class. Thank you and take care.